सांसद रामकृपाल यादव। आपको मैं बता दूं, रामकृपाल यादव को पटनावासी इसलिए नहीं जानते हैं कि यह किस पार्टी से हैं और किस पार्टी में थे। रामकृपाल यादव को पटनावासी इसलिए जानते हैं क्योंकि यह हर घर में जाते हैं तो घर वाले इनको अपने घर में बुला करके इनसे अपनी समस्याओं को बताते हैं। ज़्यादातर विपक्ष लोग चुनाव के समय इनसे घबराते भी हैं और यह कहते हैं कि घर घुसवा है, यहाँ की कहावत है, क्योंकि इनका हर परिवार से अपना लगाव है। हम बात करेंगे रामकृपाल यादव जी से कि रामकृपाल यादव जी, अभी चुनाव का तो समय है लेकिन राजनीति कोरोना में नहीं होता है। कुछ लोग तेजस्वी यादव दिल्ली में थे तो सवाल उठाए, आपके बारे में भी पूछे, दिल्ली में नहीं आ रहे हैं। ये तीसरे जो छोटी मोटी पार्टियाँ हैं सोशल मीडिया पर प्रहार करते रहते हैं। अभी के कोरोना की स्थिति में आपने देखा, आपके वैसे ही समर्थक ज़्यादातर हैं जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, और इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। आप दिल्ली में भी देखा होगा या रास्ते में भी देखोगे। क्या करेगी आपकी सरकार? तो कर रही है, काफ़ी योजनाएं हैं, काफ़ी पैसे भी दिए हैं, आप अपने तरफ से क्या कर रहे हैं? देखिए, विगत मैं बीमार भी हो गया था थोड़ा, तो उस काल में मैं दिल्ली में था। बाद के दिनों में लोकसभा चला तो मैं लोकसभा अटेंड कर रहा था, और जब बीच में ही कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ और सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया, मैंने कोई कानूनी काम नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि मेरे साले का 24 साल का लड़का डेथ कर गया, मैं नहीं आया। मेरी पत्नी वहाँ रोते रह गई और हर दिन कम से कम 500 फ़ोन अटेंड करता था, 500। और सिर्फ पाटलिपुत्र का नहीं, बिहार के किसी कोने से कोई आदमी, असहाय आदमी फ़ोन करता था, मैं उसको नोट करता था, खाने का व्यवस्था करता था, रहने की असुविधा हो गई। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर पूजा करने गए थे लोग फंसे हुए। मुख्य सचिव का मैं ध्यान आकर्षित करवाया, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्य सचिव बिहार सरकार का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार के RC को, विपिन कुमार जी का, बहुत निष्ठापूर्वक काम किया। जितना कंप्लेन मैंने भेजा सबको अरेंज किया, खाने का सब व्यवस्था करने का काम किया। जम्मू कश्मीर फंसे हुए थे उसके लिए अलग से व्यवस्था हुआ। और यही नहीं, मैं सभी सांसदों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासतौर पर हमारे पार्टी के जो सांसद हैं, सब लोगों को। जब विभिन्न पूरे देश में बिहारवासी लोग फंसा हुआ है, पटना का वासी फंसा हुआ है, और हर देश के हर कोना में लोग परेशान था, तभी सांसदों ने भी बहुत कोऑपरेट करने का काम किया। तो पूरे निष्ठा के साथ वहाँ भी काम कर रहे थे, जो लोकल समस्या थे उसका भी निदान कर रहे थे। और यहाँ मैं परसों आया हूँ राजधानी एक्सप्रेस से, वहाँ के जिला प्रशासन को सूचित करके आया हूँ, यहाँ के जिला प्रशासन को भी सूचित कर दिया हूँ। और मैं अभी होम क्वारंटाइन में हूँ, मैंने बोल दिया जिलाधिकारी जी को आज, और मैं रहूँगा। मगर जब मैं आया हूँ तो मेरा ये दायित्व बनता है कि प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न भागों से आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहा है, कोई गाड़ी से आ रहा है, भूखे प्यासे हैं, उनके लिए मैंने व्यवस्था किया है। ये पैकेट आप देख रहे होंगे, ये पैकेट मैंने व्यवस्था किया है, मुरब्बा है, बिस्कुट है, फरी है, पानी है और मिक्सर है, ये सारा कुछ व्यवस्था किया है। ये लोगों जाएगा और हर दिन जाएगा। आज आटा वटा भी व्यवस्था मैंने किया है, कुछ जगह पर पक्का खाना भी बना करके, पहले भी पक्का खाना बनता गया है बीटा में। और मैं समझता हूँ कि हर दिन हम, मेरे अपसेट में हमारा छोटा लड़का लगातार मेरे निर्देश पर क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर गरीब लोगों को दे रहा देने का काम कर रहा था। और ठीक कहा, हमारे पूंजी जो है, हमारी ताकत जो है, हमारी पार्टी की जो ताकत है वो है गरीब, किसान, मजदूर, उन सब के प्रति हमारा दायित्व था, उसका निर्वहन कर रहे हैं। बिहार की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पूरी जिम्मेवारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर, माननीय गृहमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं, जो 20 लाख करोड़ रुपये का दिया है पैकेज, और हर वो सुविधा प्रदान करने की कोशिश की है जो आम जन की आवश्यकता है। कृपा जी, ये यहीं पर मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं से कोरोना को लेकर जो मजदूर फंसे हुए हैं
उनको राहत मिलनी चाहिए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 10,000 जो बसेस दी गई थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ बसेस का नंबर या लाइसेंस नहीं मिलने के कारण रोक दिया गया। आरोप लगा रही हैं सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मेनका गांधी, इन लोगों ने सब कहा है कि इस तरह से मजदूरों को प्रताड़ित करने के लिए और जो चुनाव का समय है मजदूरों को अपने तरफ खींचने के लिए किसी तरह से यह उनको परेशान करने के लिए किया गया है। तो क्या इस तरह से अगर बसेस चलती तो मजदूरों को तो राहत मिलती? देखिए मैं बताऊं आपको कि यह विपक्ष में और ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी, मैं बिहार का हूं, एक साधारण गरीब परिवार का लड़का हूं, किसान परिवार का लड़का हूं, मैंने जो असस किया है, मेरे राजनीति का कोई 40-42 साल हो गया सार्वजनिक जीवन का, कि बिहार जिस दुर्गति में आज है उसके लिए कोई एक पार्टी जिम्मेवार है तो सत्ता में बैठा हुआ कांग्रेस पार्टी का, जिसने लंबे काल तक सत्ता में बैठने का काम किया राज्य और केंद्र में, जहां किसी तरह का वो सुविधा नहीं प्रदान किया जो राज्य को विकसित करने का काम करता है। हकमारी हुई बिहार के, बिहार और झारखंड एक था, कोयला खदान हमारे पास सब कुछ था और उसका हक हमें नहीं मिलता था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही और यहाँ कोई उद्योग नहीं लगा, कोई वैसा काम नहीं हुआ, बाढ़ सुखाड़ से आज भी कल भी पीड़ित थे, आज भी पीड़ित है। तो ये सब पाप किया है किसी ने तो कांग्रेस पार्टी ने किया, ये क्या बात करेगा, ये राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई बस बस कुछ नहीं, फर्जी वादा करने का काम किया, जिनका पोल खुल चुका है आपने देखा होगा, जो बस का नंबर दिया गया ऑटो का, ऑटो मोटरसाइकिल ट्रैक्टर पोल खुल गया। अच्छा कृपाल जी, आप बस का नंबर नहीं दिया गया, आप मददगार के रूप में जाने जाते रहे हैं खास करके पटना के जनता के लिए, चाहे वो आपके संसदीय क्षेत्र के हो या ना हो, खास करके लोहानीपुर, राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में भी आप जाकर के पूछते रहते थे लोगों से, उनका दुख सुख पूछते थे, जबकि वो आपका क्षेत्र भी नहीं है। ऐसे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप अभी क्वारंटाइन में हैं, लेकिन कब उनसे मिलेंगे? क्योंकि आपको लोग एक आम आदमी के रूप में जानता है, क्योंकि आप उनकी हर परिस्थिति के बारे में पूछते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, कब पहुँचेंगे? जब से मैं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया मैं कोई भेदभाव नहीं किया, न कभी जाति पूछा, न कभी पार्टी पूछा, न कभी कुछ पूछा, जो आया सबका काम किया। और यही काम हमने यही काम हमने लॉकडाउन के अंतर्गत भी किया है सबके लिए और आज भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर चाहे वो राजेंद्र, मेरा क्षेत्र दानापुर का हो, फुलवारी का हो, मसौड़ी का हो, नौबतपुर का हो, पुनपुन का हो, बिहटा का हो, विक्रम का हो, पाली का हो, दुल्हिन बाजार का हो, इत्यादि, इस ये तो हमारा दायित्व बनता, मैं उसका प्रतिनिधि हूँ, पहले भी कुछ इलाके का प्रतिनिधित्व मैं करता रहा हूँ। और ये जो इलाका है पुराना, जहाँ से 3 बार मुझको सांसद लोगों ने बनाया है, चाहे लोहानीपुर हो या राजेंद्र नगर हो या किसी अन्य इलाके में, पटना सिटी का इलाका हो, जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा मैं हाजिर हूँगा और उनकी समस्या का निदान करूँगा, करता रहा हूँ और करूँगा। तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि रामकृपाल यादव की एक अपनी छवि रही है कि वह अपना क्षेत्र हो या ना हो लोगों की समस्या को सुनते हैं और ऐसे भी खाली समय में यह घूमने भी निकलते हैं, तो आसपास के लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में सुनते हैं, चाहे उनका क्षेत्र रहे या ना रहे। अब यह दिल्ली से पटना आए हैं और अभी यह कुछ क्वारंटाइन में रहेंगे जो इनका समय अवधि है, उसके बाद जनता के बीच कब निकलेंगे और क्या करते हैं, किस तरह से सेवा करते हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।